मिश्रा, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाकउल्लाह खां साहब जैसे हजारों नौजवान क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया, उन सभी क्रांतिकारियों को नमन करते हुए भारत के सभी सम्मानित नागरिकों को, पंचायत प्रतिनिधियों को, प्रधानों को, सरपंचों को, मुखियाओं को और इस देश की रक्षा कर रहे सैनिकों को, किसान भाइयों को, मजदूरों को अखिल भारतीय प्रधान संगठन द्वारा संचालित एबीपीएस न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन यानी कि सन 1950 को हम सभी के आदर्श डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब व उनकी टीम ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अथक प्रयासों के बाद भारत का लिखित संविधान लागू कराया गया था। आज ही के दिन नौसेना थल सेना के द्वारा भारत के उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया, उनके सम्मान के लिए तोपों के द्वारा, बंदूकों के द्वारा सलामी दी जाती है। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र अवार्ड से भी उनको नवाजा जाता है। भारत के संविधान को लागू हुए 69 वर्ष बीत चुके हैं। इन 69 वर्षों में भारत को सशक्त बनाने के लिए, भारत की पहचान विश्व स्तर पर कराने के लिए, भारत के किसानों का, भारत के मजदूरों का, भारत के इंजीनियर्स का, भारत के वैज्ञानिकों का, भारत के खिलाड़ियों का और सबसे खास भारत की रक्षा कर रहे भारत के सैनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज हमें हमारे देश की प्रमुख समस्याओं का आकलन कर उन समस्याओं के समाधान हेतु धरातल पर प्रयास करने होंगे। आज हमें समझना होगा कि हमारे देश की बढ़ती हुई आबादी हमारे विकास में रोड़ा है। आज हमें समझना होगा कि देश का भ्रष्टाचारी दीमक किस तरह हमारे देश को कुतर रहा है। आज हमें समझना होगा कि देश की राजनीति में जाति और धर्म का जहर किस तरह घोला जा रहा है। आज हमें समझना होगा कि देश में अमीरी और गरीबी की जो खाई है वो कम होने की बजाय बढ़ रही है। आज हमें समझना होगा कि नोटबंदी जैसे आर्थिक फैसले लेने के बावजूद इस देश में अरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो आज हम भारतवासियों को ये भी आकलन करना होगा कि हमारे द्वारा चुनी गई सरकारें, चाहे वो पूर्व की सरकारें हों या वर्तमान की सरकारें, इन सभी सरकारों ने देश में रह रही 75% आबादी जो गांव में निवास करती है, उनके उत्थान के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए विभिन्न मंचों के माध्यम से बातें कही गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आज तक जुमला साबित हुई है। क्योंकि आज अगर आप गांव में जाकर देखेंगे तो गांव और गांव वासियों के जो मूल आवश्यकताएं हैं वो भी आज तक ये सरकारें पूरा नहीं कर पाई हैं। आप देखेंगे गांव में जाकर तो न स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था है, न ही शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, न रोजगार की व्यवस्था है, और जो किसान पूरा दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसको उसकी फसल का ना वाजिब दाम दिया जा रहा है। ये सुनकर बड़ा कष्ट होता है कि इस सशक्त भारत में भारत के किसान हजारों की नहीं लाखों की संख्या में आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं और यहाँ की सरकार अपनी मन की बात सुनाने पर लगी हुई है। हम वर्तमान सरकार से ये विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं कि वो अपनी मन की बात ना सुनाकर भारत के किसानों की मन की बात सुने, उनकी पीड़ा सुने, भारत के मजदूरों की मन की बात सुने, उनकी पीड़ा सुने, भारत के बेरोजगारों की मन की बात सुने, उनकी पीड़ा सुने, क्योंकि इन्हीं लोगों ने आपकी सरकार बनाने का काम किया है। और जब तक भारत के ये गरीब तबका जो 75% गांव में निवास कर रहा है ये सशक्त नहीं होगा, भारत के गांव सशक्त नहीं होंगे, तब तक भारत सशक्त नहीं बन सकता। इसी के साथ मैं गांव में रह रहे भाइयों का, बहनों का, किसान भाइयों का, नौजवान साथियों का ये विनम्रतापूर्वक उनसे अनुरोध करता हूं कि अखिल भारतीय प्रधान संगठन की जो मुहिम है इसका हिस्सा बने। इसी के साथ मैं सभी नौजवान साथियों को और किसान भाइयों को यह अनुरोध करना चाहूँगा कि गांव को सशक्त बनाएं, क्योंकि जब तक गांव सशक्त नहीं बनेंगे तब तक हमारा देश सशक्त नहीं बन सकता। जय हिंद, जय भारत, जय पंचायती राज।